खरगोन जिले के सेगांव में श्राद्ध की खीर खाने से एक ही परिवार के 11 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। उल्टी दस्त की शिकायत के चलते 2 बच्चे, 5 महिला और 4 पुरुष सभी 11 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है रविवार को सेगांव के विश्वनाथ शर्मा के परिवार में श्राद्ध के चलते सामूहिक भोज का आयोजन था। सभी बीमार एक ही परिवार के और रिश्तेदार हैं। श्राद्ध पक्ष के चलते सभी ने दूध से बनी हुई खीर खाई थी। बताया जा रहा है कि खीर एक दिन पहले बना ली थी, संभवतः दूध खराब होने से फूड पॉइजनिंग की घटना हुई है। सभी मरीजों की निगरानी की जा रही है। अगर स्वास्थ्य में और गिरावट आती है या ब्लड प्रेशर की दिक्कत ज्यादा आती है तो इंदौर रेफर किया जाएगा। मौके पर पुलिस भी जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि करीब 25 लोगों ने श्राद्ध का भोजन किया था, लेकिन 11 लोग ही फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, ये फूड पॉइजनिंग का मामला क्या है? ये सेगांव से रेफर पेशेंट है जिनको ड्यूटी डॉक्टर द्वारा भर्ती कराया गया था। इनको उल्टी दस्त की शिकायत थी, जिनका मेल मेडिकल वार्ड, फीमेल मेडिकल वार्ड तथा आईसीयू में पेशेंट का उपचार किया जा रहा है। टोटल पेशेंट कितने बताए जा रहे हैं? ये परिवार द्वारा 11 पेशेंट के आसपास बताया गया है और एक पेशेंट आईसीयू में भर्ती है जिसका ब्लड प्रेशर कम होने के कारण उसका आईसीयू में उपचार चल रहा है। कैसी हालत है वैसे पेशेंटों की? वार्ड के मरीजों की हालत स्थिर है। यदि इनमें से किसी पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं या ब्लड प्रेशर में कमी होती है तो इनको इंदौर रेफर किया जाता है। सर, ये क्या बताया जा रहा है क्या कारण से हुआ है? इनमें घर में ही कोई, सभी लोगों ने कोई खाद्य पदार्थ खाया था, संभवतः खीर खाना बताया गया है और उसके कारण इनकी तबीयत कुछ हद तक खराब हुई है। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर मयंक पाटीदार, जिला चिकित्सालय खरगोन। थैंक यू। अब शाम को 5:30 बजे उल्टी होने लगी 8-10 लोगों को, तो उन लोगों को स्थानीय रूप पे हमने जो डॉक्टर को दिखाया वहाँ पर, तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों ने वहाँ प्राइवेट डॉक्टर जो थे हमारे गाँव में वहाँ से उन्होंने बोला खरगोन ले जाओ, तो ऐसे ही हम लोग सबको इनको लेके खरगोन आए। यहाँ एडमिट किया है और यहाँ सभी एक एक बोतल लगने के बाद सभी मतलब अभी ठीक लग रहा है सबको। क्या खाया था? क्या खाने में? रोटी, सब्जी, 2 सब्जियाँ थी, खीर थी, भजिए थे, दाल चावल। तो क्या फूड पॉइजनिंग की आशंका लग रही है? क्या लग रहा है? अब क्या हुआ साहब, अब क्या जाने आप? लेकिन खीर एक आध दिन पहले बना ली थी क्या? खीर शायद शाम को बनाई थी, एक दिन पहले जी, शाम के समय। तो अभी यहाँ पे कितने लोगों को लेके आ गए? 11 लोग हैं। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। घटना हुई आप जैसे, क्या हो गया था आपको? खाना खाया है श्राद्ध में, वहाँ पे जितने लोगों ने खाया है उन सबको हुआ है, उल्टी और दस्त हुए। अच्छा, हाँ जी। क्या कारण लग रहा है? कारण ये है कि कुछ जब बच्चियों ने केवल खीर खाई तो उनको भी हुआ है, तो मतलब खीर में दिक्कत से हुआ है, दूध की कमी लग रही है कि दूध गलत आ गया है। आपको क्या शिकायत हुई थी? मुझे भी वही है, मतलब दस्त हुए मुझे और दस्त और पेट दर्द, मतलब खीर के कारण लग रहा है। हाँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने केवल खीर ही खाई और उनको भी हुआ है। कब खाई थी? ये लगभग 12-1 बजे की बात, आज की घटना। आज की घटना है। क्या नाम है आपका? पंकज पटेरिया। परिवार में श्राद्ध था तो सभी परिवार के लोगों ने भोजन किया दोपहर में 1 बजे, और भोजन करने के पश्चात शाम को 5:30 बजे जिन लोगों ने भोजन किया था उनमें से 8-10 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई, तो स्थानीय स्तर पर वहाँ सेगांव में बताया गया 1-2 लोगों ने डॉक्टर को, और बाकी लोगों को तो हम फिर लेकर के खरगोन ही आ गए और यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया। क्या खाया? रोटी, खीर, भजिए, दाल चावल, 2 सब्जी। सर कुछ भी नहीं, क्योंकि और लोगों ने, मैंने खुद ने भी खाया, बाकी मेरे को कुछ नहीं हुआ। कितने लोग यहाँ पे आए हैं? यहाँ 10-11 लोग हैं और करीब करीब 25 लोगों ने खाना खाया। क्या परेशानी हुई थी? बस उल्टियाँ होने लगी और दस्त भी होने लगे। अभी ठीक है सब? हाँ, करीब करीब एक ही केवल महिला है जो आईसीयू में है, उनको भी पेट दर्द की केवल तकलीफ हो रही है, बाकी तो करीब करीब सबकी बोतल लगने के, एक एक बोतल लगने के बाद सभी की हालत ठीक है। क्या नाम लिखता? अनिल शर्मा, सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।